Hello everyone, how are you? Well guys, in this video I'm going to talk about a movie that is really very epic. You know what, since long time I was waiting or I was just looking forward to watch this movie, but due to scarcity of time or due to busy schedule or whatever the reason was, I didn't find time to watch it. Finally I watched it thanks to lockdown. Yeah, Vaastav-The reality. ये मूवी 1999 में रिलीज हुई थी एंड दिस मूवी वॉज डायरेक्टेड बाई महेश मांजरेकर. महेश मांजरेकर के लाइफ में ये मूवी बहुत ही एक एपिक रोल प्ले करती है. इसके बाद महेश मांजरेकर की लाइफ बहुत ट्रैक पे आई थी, राइट. इस मूवी का जो बजट था वो 5.3 crore था और इसकी जो ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी दैट वाज 41.3 crore. तो एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी थी एज फार एज महेश मांजरेकर, नॉट ओनली फॉर द महेश मांजरेकर. एंड वन मोर थिंग इज दैट दिस मूवी स्टारिंग संजू बाबा एंड नम्रता शिरोडकर. बट बिफोर दैट आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल Vaastav-The reality. You know what, एक फनी बात बताऊँ, इस मूवी का भोजपुरी नाम क्या है? तोहरा के ठोक दे. Yeah, you heard it right. It's just थोड़ा के ठोक दे, you know, it's a Bhojpuri version of Vaastav-The reality. Sanjay Dutt के भी अगर कैरियर को देखा जाए तो ये मूवी बहुत ही एक क्रुशियल मूवी हो. तुम देख सकते हो इस मूवी के कारण बहुत नेम फेम बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे. और नम्रता शिरोडकर की लाइफ में, मतलब बेसिकली दिस मूवी वाज अ माइलस्टोन फॉर संजय दत्त एज वेल एज डायरेक्टर एज नम्रता शिरोडकर. द रियलिटी, यार बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग गलत काम नहीं करना चाहते हैं, वो एक नॉर्मल एक डिसेंट एक वाइट कॉलर लाइफ जीना चाहते हैं, एक रिस्पेक्टेड लाइफ जीना चाहते हैं. लेकिन बहुत बार ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिससे कि अगर वो मतलब कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में ना भी जाना चाहें तो उनको जाना पड़ जाता है. तो वैसा ही समहा ऐसे ही कुछ चीज़ें ये स्टोरी भी पोर्ट्रे करती है, राइट. संजय दत्त का भी लाइफ कुछ ऐसा ही होता है, एक रैकलेस गाय है, एक चिल आउट गाय है जिसको चीज़ों की उतनी फिक्र नहीं है. चिल रहा है यार, एवरीथिंग इज़ फाइन, मेरे को क्या है, दिस और दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड संजय दत्त हैज़, राइट. तो ऐसे इसका नाम इस मूवी में रघु होता है. तो इसके पेरेंट्स भी बहुत वरीड रहते हैं, यार इसका क्या होगा, कैसे इसको अपनी बेटी देगा, मतलब कैसे इसकी मैरिज होगी, कैसे इसकी अर्निंग होगी, इसका फ्यूचर क्या होगा. इसके पेरेंट्स हमेशा इस चीज़ को लेकर वरीड रहते हैं. लेकिन संजय दत्त एक दिन क्या होता है, बोलता है यार मैं अभी बिज़नेस करूँगा, मेरा फ्रेंड का ये चल रहा है. तो वो भी एक पाव भाजी वगैरह का बिज़नेस स्टार्ट कर देता है, ठीक ठाक उसकी लाइफ कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है. उसके पेरेंट्स को भी लगता है कि इसकी लाइफ ना ट्रैक पे आ गई है काइंड ऑफ. तो क्या होता है, एक दिन कुछ गुंडे होते हैं जो खाना वाना खा लेते हैं लेकिन उससे पैसे पे नहीं करते. संजय तो बोलता है यार छोड़ ना यार, इस ये यू नो इस गैंग से है, इस गैंग से यार फालतू में लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट. हाँ, फ्रैक्चर भाव गैंग्स हैं, राइट. तो दूसरी बात, सेम गुंडे आते हैं, वो उसके जो वर्कर होते हैं उसको भी पीटने लग जाते हैं. तो तो फिर संजय दत्त भी इन्वॉल्व हो जाता है, फाइट वाइट होती रहती है संजय दत्त से. अनफॉर्चुनेटली एंड इट वाज टोटली इंसिडेंट, उससे यू नो इस वॉज जस्ट इंसिडेंट हैपन, उससे जो गुंडे होते हैं उनकी मर्डर हो जाती है. तो उसकी फैमिली भी घबरा जाती है क्या करे. उसकी फैमिली बोलती है बेटा पुलिस को सरेंडर कर दे, कुछ सालों बाद तेरे को छूट जाएगा और तो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगा. लेकिन उसके कुछ फ्रेंड होते हैं नहीं यार ऐसे तो पुलिस फंसा देगी, तो जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा दिस और दैट. तो वो भाग जाता है वहाँ से. फिर वो एक और गुंडे के पास पहुँच जाता है, वो उसको फॉर द टाइम बीइंग उसको बोलता है ठीक है तुम यहाँ रहो, उसके बाद तुम बहुत काम के बंदे लग रहे हो दिस और दैट, उसके बाद मैं तुम्हें देखता हूँ, है ना.
फिर वहाँ से वो उसकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है एज ए क्रिमिनल, एज ए भाई काइंड ऑफ, एज ए मामू काइंड ऑफ, एज ए लाइक नहीं बोलते गैंगस्टर काइंड ऑफ. वहाँ से वो इन सब चीज़ों में इंगेज होता रहता है और अपने आप को कभी बाहर नहीं निकाल पाता. वहाँ से वो टोटली एक गैंगस्टर बन जाता है. और घर पे भी उसकी जब भी आता है उसके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा ये सब छोड़ दो, ये सब से कोई फ़ायदा नहीं है, एक बार सरेंडर कर दो, कुछ सालों बाद तुम छुट जाओगे, बाहर आ जाओगे, फिर तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो. फिर एक दिन वो यू नो कोठे पे जाता है तो उसको एक सेक्स वर्कर होती है उसके साथ, वो सेक्स वर्कर नम्रता शिरोडकर होती है, उससे प्यार हो जाता है, उससे मिलने जाता है, उसकी केयर करता है, अल्टीमेटली मैरिज भी कर लेता है राइट. और इधर इसको यू नो पुलिस भी बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है, पुलिस वो इसको मतलब एनकाउंटर के लिए ये ऑर्डर आ जाता है कि इसके साथ एक और फ्रेंड रहता है उसको इसका एनकाउंटर रिलीज़ कर देता है. एक चीज़ और है कि ये जैसे गैंगस्टर बन गया तो एक लीडर होता है इसमें, उस लीडर के अंडर ये काम करता है, तो वो लीडर इसको यूज़ करता है. तुम इसको मार दो उसको इतने एक करोड़ मिल जाएगा, तुम इसको मार दो एक करोड़ ऐसे मिल जाएगा. तो क्या होता है कि यार ये लीडर्स होते हैं ना वो किसी के नहीं होते हैं. तो लीडर्स के एक दिन क्या होता है वो क्योंकि वो नेता है वो चीफ मिनिस्टर है तो इस दोनों का वो एनकाउंटर का ऑर्डर निकाल देता है. तो ठीक तो अब बिना बताए इसको इसको ही इज़ अनअवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग. तो उसका एक फ्रेंड होता है रघु का, वो भी पुलिस में होता है, वो उसको बता देते हैं नाम का एनकाउंटर निकल गया है रहते तो बच कहीं से ही बच गया ऐसे लगे राइट. तो फाइनली क्या होता है रघु उस लीडर को मार देता है और पुलिस भी इसके पीछे पड़ जाती है. रघु टोटली मैस्ड अप हो जाता है, मैं क्या कहूँ आई डोंट वांट टू लीव दिस लाइफ बट आई विल हैव टू लिव एज लॉन्ग एज आई एम ऑन दिस अर्थ. अपनी मम्मी के पास जाता है, मम्मी मुझे बहुत इमोशनल ना उसका कुछ सीन है कि मैं इस लाइफ को नहीं जीना चाहता, आई एम टोटली फेड अप फ्रॉम दिस लाइफ एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कम आउट फ्रॉम दिस एज सून एज पॉसिबल. उसकी मम्मी क्या कर सकते थे, मार देती है उसको, पिस्टन चला देती है. वो बोलती है कि यार ऐसे मैं अपने बेटे को नहीं जीते दे सकती, ही इज़ ये इसकी ऐसी क्या लाइफ है जो ये हमेशा छिपता रहता है, हमेशा डर में जीता है. तो बोलते हैं कि उसको गोली मार देती है, फिर बोलते हैं कि मैंने अपने बेटे को मुक्त कर दिया है, अब इसको कोई परेशान नहीं करेगा. तो यही लास्ट में यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है. और यार समहाउ आई एम एग्री विथ हिज मदर राइट, कि यार एक यार ऐसी लाइफ फेड अप लाइफ जहाँ तुम हर हमेशा एक डर में जी रहे हो, तुम अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, यू कांट ब्रीथ विदाउट यू नो आई मीन तुम एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे. मान लो तुम कहीं मूवी देखने जाते हो तो तुम्हें डर लग रहा है कोई मुझे पकड़ ना, कोई मुझे मार ना दे, तो ऐसी लाइफ क्या लाइफ है. आई मीन यू आर लिविंग अ लाइफ दैट इज़ नॉट लेस देन एन एनिमल इजंट इट. आई मीन एन एनिमल इज लिविंग द सेम लाइफ एज यू आर लिविंग और दिस मूवी हैज़ पोर्ट्रेड एज फार एज संजय दत्त इज कंसर्न राइट. सो ये मूवी है लेकिन वही है एक सिंपल सा. लास्ट में ऐसे इसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है मुश्किलें बहुत लोगों के साथ आती हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम एक गैंगस्टर बन जाओ, एक बदमाश बन जाओ, एक रॉन्ग डूअर बन जाओ. ये भी सही है, उस समय हो सकता था ये पुलिस को सरेंडर कर दे और हो सकता कि इसको लाइफ इम्प्रिजेंट हो जाता, लेकिन समहाउ एक रिस्पेक्टेड इन द सेंस कि यार कभी बेल भी मिल जाती तो कभी बाहर भी आ सकता था. तो ऐसे तो यार हमेशा डर डर के जीना और एक और अल्टीमेटली मर जाता. और हो सकता था उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं होता, 10 साल की सजा होती, 10 साल बाद तो वो एक रिस्पेक्टेड लाइफ जी सकता था. तो दिस मूवी इज़ पोर्ट्रेइंग द सेम काइंड ऑफ मैसेज टू द ऑडियंस दैट टू टेक द पाथ ऑफ रॉन्ग एक्टिविटी इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम. इफ यू आर लाइक लुकिंग समथिंग यू नो वेरी इन अ हरीड वे लाइक यू नो कोई चीज़ तुम्हें फास्ट चाहिए यार
मैं गुंडा बन जाता हूँ, उसके बाद कोई मुझे नहीं करेगा. तो यू आर इन रॉन्ग, यू आर इन इल्यूजन दैट ये एक सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई भी सॉल्यूशन हो भी नहीं सकता है भाई. तो सेम मैसेज को पोर्ट्रे किया, मुझे मैसेज स्टोरी का जो, इस मूवी का जो, और डायरेक्टर हैज़ कैप्ट दिस मूवी कॉन्साइज, दिस इज समथिंग व्हाट आई ऑल्सो लाइक इट. अदरवाइज यू नो 90s मूवीज मोस्टली यू विल फाइंड दैट मूवीज हैव बीन एग्जीग्रेटेड एंड दिस मूवी नॉट यू नो दैट एग्जीग्रेटेड. आई मीन दिस लुक्स is not that you know exaggerated, it's like it's concise, it's not that lengthy ki tum ekdam bored hi ho jate ho. Lekin 90s mein itni length ki movie hoti hi hai, isme tum kuch nahi kar sakte. Us samay kahin na kahin ek mentality chal rahi thi, bada movie matlab acha movie ho sakta hai. Aur aaj ke time pe movie utni badi nahi hoti, short movie hoti. Aajkal web series bahut saari cheeze hai. I hope you are getting my what I mean to say, right? तो मूवी यहीं पे फिनिश हो जाती है. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियोज़ गाइस. हैव अ ग्रेट, इफ यू फाइंडिंग दिस वीडियो कूल इनफ सब्सक्राइब करो यार. इफ यू फाइंडिंग दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग इनफ शेयर इट. इफ यू रियली वांट टू अप्रिशिएट मी लाइक करो. दिस इज मी साइन. हैव अ ग्रेट.